मॉर्निंग एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास जो एट्थ है उसका सेवन्थ चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, उसकी एक्सरसाइज 7.1। ओके, एक्सरसाइज हमारी 7.1 है क्लास एट्थ की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका मैं इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, वो है 216। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, हमें बताना है इनमें से कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको हम करेंगे सॉल्व, 216 दे रखा है। तो इसको करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेंगे, इसके हमारे जो फैक्टर्स करने पड़ेंगे 216 के फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें स्मॉल नंबर जो होता है उससे हमें इसको डिवाइड करना है। जैसे कि हमारा स्मॉल नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 प्राइम नंबर भी होता है। 2 के टेबल में 2 वनजा, फिर यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर है हमारा ये स्मॉल है 1, तो हमें दो नंबर साथ लेने पड़ेंगे, इसलिए जब दो नंबर साथ में लेंगे तो 0 आएगा और 8 आएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो लोग यहाँ पर 18 लिख देंगे और इनका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप जब 2 वनजा 2 कर दिया और जो 1 है 2 से स्मॉल है, इसलिए हमें दो नंबर लेने पड़ रहे हैं, तो 0 यहाँ आएगा और 8 जा 16। उसके फिर से 2 के टेबल में 2 5 जा 2 4 जा, फिर से 2 के टेबल में ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4 1 14 हो जाएगा था 7 का, ठीक है। अब 3 के टेबल में 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे लिख लीजिए, 216 के हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार 3 3 है, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, क्यूब मतलब हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, तो जब 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं जब 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो क्यूब में 3 3 के पेयर ही बनते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसका अगर आप यहाँ पर अंडर क्यूब डालना चाहते हैं ऐसे करके भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें से 3 में से एक बाहर आ जाएगा और यहाँ 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 2 3 जा 6, जो कि 6 का क्यूब होगा वो क्या होगा, 216 होगा हमारा। तो ये क्या, हमारा पहला वाला पार्ट ये क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो हमें बताना कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं सारे ही पार्ट इस वीडियो में कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें, पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले ही पार्ट करूँगा, बट ये सारे क्वेश्चन लिंक्ड हैं तो मैं सारे पार्ट कर देता हूँ उसमें। सेकंड वाला क्या है, 128 है, ठीक है, इसके भी हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे ऐसे करके, 128। अब फिर से 2 के टेबल में 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 के टेबल में 2 3 जा एंड 2 2 जा, फिर से 2 के टेबल में 2 1 जा एंड 2 6 जा, फिर से 2 के 2 के 8 जा, फिर से 2 4 जा, फिर से 2 के 2 2 जा एंड 2 1 जा। इसके फिर से हम पेयर बनाएंगे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके हमारे 7 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 3 के पेयर बनाएंगे हम। देखो 3 3 के पेयर बनने के बाद हमारा एक 2 क्या खाली बच गया। अब ये खाली बच गया इसका मतलब ये क्या, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 128 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये क्या हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब तब होता अगर इसके 3 3 के पेयर बन जाते। अगला क्वेश्चन है हमारा 1000 है, इसका हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 1000 है, तो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे 1000 के, तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको फैक्टर कैसे निकालना है, ऐसे लिखना है आपको, और स्मॉल नंबर से जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 जा बाकी 0, फिर से 2 का 2 2 जा 4 1 5 0, ओके, फिर से 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 5। अब ये है 125 है, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है, तो 125 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 3 के में नहीं जाएगा, तो 5 के में जाएगा, 5 2 जा 10 और फिर 2 बचा 5 जा, फिर 5 के टेबल में जाएगा ये, ठीक है, 5 5 जा, फिर से 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा। अब 1000 को यहाँ लिख लेते हैं एक बार और ये काउंट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो देखो यहाँ पर तीन पेयर हैं, यहाँ पर भी क्या तीन पेयर हैं, तो ये क्या तीन तीन पेयर हैं। अगर हम यहाँ से निकालते हैं ऐसे, ये क्यूब यहाँ पर लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर थ्री का मतलब क्यूब है, ओके। इसमें से हमारा टू बाहर आ गया, इसमें से हमारा एक फाइव बाहर आ गया, तुम्हारा क्या आंसर टेन आ गया। टेन का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। तो इसलिए मतलब इसका आंसर जो होगा हमारा वो है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका, ठीक है, फर्स्ट में ही, क्योंकि ये सारे लिंक्ड हैं इसलिए मैं सारे पार्ट एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग के लिए। जो फोर्थ पार्ट है वो दे रखा 100, ठीक है। इसके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे 100 के भी। तो हम स्मॉल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 जा, फिर 2 25 जा, अब जो 5 भी टेबल में जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब इसके 100 के अगर मैं पेयर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कितने हैं, 2 × 2 × 5 × 5। तो देखो ये तीन दिन के पेयर नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर तीन दिन के पेयर नहीं बन रहे हैं, इसका इसका आंसर आएगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो हमारा है 4 6 6 5 6, ठीक है। तो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, काफ़ी लंबा नंबर दे रखा है उन्होंने, तो आप लोग इसके फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने का मेथड सेम है, लाइन ड्रॉ कीजिए 4 6 6 5 6, ठीक है। तो लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, इतना टफ नहीं है, इजी है। तो अब हम इसको टू के टेबल में हम ट्राई करेंगे, पहले टू और यहाँ लाइन खेल देंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा, 2 3 जा, 2 2 जा 4 1 8 जा, ठीक है। इसके बाद फिर से टू के टेबल में जब ट्राई करेंगे, 2 1 जा, फिर 2 1 जा, 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 6 जा 12, 1 बचा, यहाँ 12 और यहाँ 4, ठीक है। फिर से टू के टेबल में ट्राई करेंगे, 2 5 जा, 1 बचा, यहाँ 16, 8 जा, फिर 3 जा, फिर 2 जा, ठीक है। फिर से टू के टेबल में ट्राई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 18, 9 जा जाता है 18, उसके बाद 2 1 जा 2 और यहाँ 1 बचा 6, ठीक है। फिर से टू के टेबल में, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ से 1 बचा 11 हो गया, 5 जा, फिर यहाँ से बचा 8 जा, ठीक है। फिर से टू के टेबल में जाएगा, ओके, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 1 बचा 9। अब ये है 7 2 9, ये टू के टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये थ्री के टेबल में जाएगा, 3 के 3 2 जा 6, 1 बचा, यहाँ पर 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर से थ्री के टेबल में, ठीक है। ध्यान से आप लोग, ये डिवाइड है आपको बहुत ध्यान से करना है। अब थ्री के टेबल में 3 8 जा और 3 1 जा, फिर के थ्री बेटे के थ्री के टेबल में 3 2 जा 6 और यहाँ से 2 बच्चा, 21 हो जाता है, वो 7 जा, ठीक है। फिर थ्री के टेबल में 3 9 जा, फिर से थ्री के टेबल में, ठीक है, 3 3 जा और फिर से थ्री के टेबल में 3 1 जा। देखो ये हमारे इतने सारे फैक्टर आ गए हैं, टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है हमारे, तो ये नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, 6 2 है हमारे, 2 3 4 5 6, 3 कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी हमारे कितने हैं, 6। तो इसको 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 2 2 के पेयर बना रहे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 3 के पेयर एक ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है। तो देखो तीनों के हमारे पेयर, चारों के पेयर बन रहे हैं, 3 2 2 का पेयर बन गया, पेयर नहीं ट्रिपल बन गया, ट्रिपल, तीन का भी बन गया, यहाँ पर 2 का 1 बन गया, 3 का, यहाँ पर फिर 2 का 3 बन गए, फिर 3 का 3, क्योंकि क्यूब है तो हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा, जब 3 3 के पेयर बन रहे हैं, जिसका मतलब ये क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हमें इस आंसर में यही बताना था कि कौन सा वाला पार्ट हमारा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा वाला पार्ट हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये मैंने सारे पार्ट आपके सॉल्व कर दिए हैं 1 बाय 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़ यूट्यूब में लॉगिन जरूर कर लीजिए, तभी चैनल आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्लियर। और चैनल में लास्ट में और चैनल के अंदर भी प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, अपनी क्लास और अपना चैप्टर देखिए और
और आप स्क्रॉल कीजिए अप एंड डाउन, जौन सा क्वेश्चन आपको देखना होता है आप देख सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करके। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।